शिमला में पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर हुए हत्याकांड को लेकर सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। चंबा के मनोहर हत्याकांड के बाद मनीष मर्डर को लेकर आम लोगों में भी सरकार व पुलिस के प्रति देखा जा रहा है असंतोष। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व एमएलए चौपाल के साथ साथ इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआईएम के नेताओं ने भी लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सुक्खू सरकार को कोसा। राजधानी शिमला की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माल रोड में पुलिस के सामने से फरार हत्यारे के चंडीगढ़ पहुंचने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार ने राज्यसभा चुनाव में विधायकों की फोन टेपिंग व उन पर नजर रखने के काम में लगा दिए हैं पुलिस अधिकारी। मनीष के हत्यारे न पकड़े जाने से सिरमौर के साथ लगते शिमला जिला के चौपाल व कुपवी इलाके के लोगों में रोष। क्या पुलिस के उतने जवान थे कि जो मतलब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं? और पुलिस आजकल असेंबली बैठी हुई है, पूरा सरकार बैठी हुई है, पूरा सदन में काम चला है, कितनी नाकाबंदी है। तो वो बंदा अभी तक ट्रेस आउट नहीं हुआ है, वो पहुंच गया है 43 सेक्टर चंडीगढ़। तो आप अब मीडिया वाले आप ही बताइए कि मैं इसके बाद क्या स्टेटमेंट दूं। माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के बिल्कुल साथ रेस्टोरेंट में चौपाल चुनाव क्षेत्र कुपी का मनीष नाम का लड़का उस रेस्टोरेंट में काफी टाइम से नौकरी कर रहा था। तो उसने इस पर मनीष पर बहुत ही तेज धार हथियार से वार किया और ये बुरी तरह घायल हुआ। घायल होने के बाद ये रिपोर्टिंग रूम की तरफ भागा और पीछे से जिसने मनीष का कत्ल किया वो हथियारा भी पीछे से भागा और बिल्कुल रिपोर्टिंग रूम के दरवाजे के सामने उसने और वार करके उसको गिराया। वहां पर बहुत ब्लड भी गिरा। फिर जब वो मनीष गिरा वहां पर, उस लड़के ने वो हथियार भी वहीं फेंका। विधानसभा के अंदर हमने प्रश्नकाल से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक बात कहने की कोशिश की है और उसमें जो कानून व्यवस्था, जो बिगड़ती कानून व्यवस्था, जो जिसकी हत्या हुई वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से है और उसके कारण बहुत बड़ा रोष है, आक्रोश है पूरे प्रदेश भर में और इनके इलाके में तो है ही है। लेकिन हैरानी की बात है कि जो हत्यारा है, जो हत्या करने वाला यहाँ से भाग निकला है और जो जानकारी हमको मिली है कि वो हिमाचल की बाउंड्री से बाहर निकल चुका है। रिपोर्टिंग रूम तक आए और रिपोर्टिंग रूम हमारा पुलिस का तंत्र अगर ऐसे हत्यारे को उस समय गिरफ्तार नहीं कर सकता है, इससे दुखद बात नहीं हो सकती। ये एक का क्वेश्चन ही है, बी का क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन है कि अगर जन साधारण की जिंदगी सुरक्षित माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के आगे नहीं रह सकती है, इससे शर्मनाक बात किसी भी सरकार के लिए नहीं। इट इज शेमफुल। 6 जून को लड़का वो गुम हुआ, अपनी उसका जो घर था मौसमी रहायश आधा किलोमीटर ऊपर और आधा किलोमीटर उसका शरीफ का घर था और रोज आना जाना होता था, मिलजुल के आना जाना होता था। 60 परिवार और हैं और एक परिवार फिर शरीफ का वहाँ है। सारे सहायता करने ने पन मेरी सारे कन मिनती है नी ना जे बस फांसी चाहिए नी, फांसी चाहिए नी और तेना मनोरे रे कातल जो खूनी वो फांसी नहीं देते तो मुझे फांसी दे दे। बस यही नहीं मैं उम्मीद तो सरकार रखना इतने देश रखना ऐसे खून ऐसे कांड होने नहीं चाहिए। मेरे तो बुरी हालत ने हो सकी झीली मनोरे बगैर पर दूसरी माँ ही बहन कोई ऐसे तड़फने नहीं चाहिए। हिमाचल की राजधानी शिमला की सबसे सुरक्षित जगहों में शामिल माल रोड के पुलिस कंट्रोल रूम के सामने ही एक 20 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस प्रकरण को लेकर भाजपा के साथ साथ
इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआईएम जैसे दलों ने भी प्रदेश सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कोसा। माल रोड पर एक कैफे में काम करने वाले 20 वर्षीय मनीष की हत्या होने व हत्यारे न पकड़े जाने से सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ा के साथ लगते शिमला के कुपोई व चौपाल इलाके के लोगों में असंतोष है और काफी लोग इस इलाके से आज शिमला भी पहुंच चुके हैं। इससे पूर्व गत जून माह में चंबा के सुलोनी क्षेत्र के युवक मनोहर के एक अल्पसंख्यक परिवार द्वारा टुकड़े किए जाने के बाद भी विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स होने का मुद्दा उठाया था और उस दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों व स्थानीय व्यापार मंडल द्वारा चंबा में विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। 20 वर्षीय मनीष के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें अपने इकलौते बेटे को खोने के साथ साथ इस बात का भी दुख है कि पिछली रात से अब तक हत्याकारों भी पकड़ा जाना तो दूर खुलेआम हिमाचल से निकलकर चंडीगढ़ पहुंचा बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सवा साल के शासन काल में प्रदेश में जहां अपराधी दिन दहाड़े हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं वहीं सरकार अथवा सीएम ने पुलिस अधिकारियों को अपने सियासी हित साधने का काम दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में अपने व विपक्षी दलों के विधायकों पर नजर रखने तथा उनके फोन टेपिंग का काम सरकार पुलिस से करवा रही है जिसके चलते अपराधी हाथ से निकल रहे हैं। पूर्व सीएम ने कांग्रेस के ही विधायक सुधीर शर्मा को कनाडा में रह रहे गैंगस्टर के हवाले से धमकी दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उधर चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने आरोप लगाए कि उनके हल्के के युवक की हत्या पुलिस कंट्रोल रूम अथवा रिपोर्टिंग रूम के बाहर हुई और हत्यारे बेरोक टोक राज्य से बाहर निकल जाने से क्षेत्रवासियों में रोष है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड का पता लगने के बाद आज काफी संख्या में चौपाल अथवा कुपुई से लोग शिमला पहुंचे मगर सीएम व उनके मंत्री मिलना तो दूर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा। उधर सीपीआईएम के पूर्व विधायक कॉमरेड राकेश सिंघा ने इस हत्याकांड के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा की और जल्द आरोपी न पकड़े जाने की सूरत में सख्त कदम उठाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि माल रोड व पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने हत्या होना व फिर आरोपी का बसों व अन्य माध्यमों से बेरोक टोक राज्य से बाहर निकलना इस बात का सबूत है कि सरकार के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। बहरहाल एक तरफ जहां प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे कर रही है वहीं सैलानियों की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले माल रोड पर हुई हत्या के बाद असुरक्षा का संदेश भी लोगों में जा रहा है और फिलहाल सीएम अथवा सरकार के किसी मंत्री की तरफ से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया आना बाकी है। विधानसभा के अंदर हमने प्रश्नकाल से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक बात कहने की कोशिश की है और उसमें जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ती कानून व्यवस्था शिमला पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने रात के लगभग 1:30-2 बजे के बीच में एक नौजवान 21 साल के लड़के की वहां पर हत्या होती है कॉन्स्टेंसी है और उसके कारण बहुत बड़ा रोष है आक्रोश है पूरे प्रदेश भर में और इनके इलाके में तो है ही है। लेकिन हैरानी की बात है कि जो हत्यारा है जो हत्या करने वाला यहाँ से भाग निकला है और जो जानकारी हमको मिली है कि वो हिमाचल की बाउंड्री से बाहर निकल चुका है लेकिन पुलिस अभी तक भी उसको पकड़ नहीं पाई है। सीसीटीवी की फुटिंग उसमें है फुटेज है उसमें सारी चीज़ों की जानकारी भी है और लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई कार्यवाही अभी तक ठोस कार्यवाही जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई है। उल्टा मैं आरोप लगा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस पर कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को आजकल के दिनों में इस प्रकार के काम दिए गए हैं विधायकों की लोकेशन विधायकों के फोन टैप करने के लिए वो काम में लगे हुए हैं कौन कहाँ गया इन सारी काम में लगे हुए हैं और कानून व्यवस्था की यह परिस्थिति है। और आज विधानसभा के अंदर वरिष्ठ सदस्य सुधीर शर्मा जी ने भी अपनी बात कही है उनको भी थ्रेटनिंग कॉल्स आई है मारने की धमकी आई है लेकिन पुलिस के सीनियर अधिकारी है आपको ध्यान होगा कांग्रेस के एक एमएलए पर हमला होता है नाम है बंबर ठाकुर उन पर हमला होता है पुलिस का डीजीपी उसकी सुरक्षा के लिए और उसके लिए उसकी हालचाल पूछने के लिए वहाँ पहुँच जाता है लेकिन यहाँ पर इतने लोग धरने पर बैठे हैं या तो चाहती है पुलिस की धरना चलता रहे पुलिस चाहती है धरना चलता रहे या यहाँ पर आकर लोगों को आश्वस्त तो कर सकते हैं बता तो सकते हैं कि अभी तक की आपकी क्या कार्रवाई है। कोई पुलिस का अधिकारी ऐसा नहीं है जो ये बताने की जहमत उठाए कि क्या कार्रवाई की है।